بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها قوله العلم إما تصور فقط أقول هذا التصور قد يكون تصورا واحدا كتصور الإنسان وقد يكون متعددا إلى نسبة كتصور الإنسان والكاتب ومع نسبة أيضا إما تقليدية كالحيوان الناطق وغلام زيد وإما تامة غير خبرية كقولك اضرب وإما خبرية يشك فيها فإن أو وإما ذلك وإما خبرية يشك فيها فإن كل ذلك من التصورات لخلوفها عن الحكم وأما أجزاء الشرطية فليس فيها حكم أيضا إلا فرض فإدراكها ليس تصديقا بالفعل بل بالقوة القريبة منه كما سيديو شرح. इस हाशिए को लाने का मकसद क्या है? दूसरा कलाबुल शुरू यहाँ से, ठीक है? मेन बुनियादी मकसद क्या है इसको ज़रा सुन लें आप। मकसद खुद ही उमूमी तौर पर से हाशिया के हाशिए में लिख ही देते हैं। हाशिया नंबर चार में लिखा है अल मकसूद मिन हादिल कलाम तहकीकुल मकाम वल इशारतु इला मा युमय्यिज़ु बैनल क़िस्मैन वहुवा लुज़ूमु तअद्दुद फ़ी अहदिहिमा वअदमिही फ़िल उख़्र। कहना क्या चाह रहे हैं? इस हाशिए का मकसद ये है कि यहाँ पे एक मकाम की तहकीक करनी मकसूद है और इशारा करना मकसूद है। क्या कोई मसला है क्या? सात नंबर हो चुका है, कहाँ पे है? चले हो गया ना उनको। चले अब यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं बताना, मकसद ये है तो दीजिएगा। ए कंडीशन देखिए, आप बताना ये चाह रहे हैं कि दो तकसीम है, तसव्वुर फ़क़त और इल्म की तसव्वुर तसव्वुर माहू। एक का मामला तो ऐसा है कि तसव्वुर माहू हुक्म उसमें चंद चीज़ें तो होनी ही होनी है, ठीक है? दो पहलू आपके सामने हैं, एक तसव्वुर फ़क़त है, दूसरा का तसव्वुर माहू। तसव्वुर माहू हुक्म में मुतअद्दिद उमूर होंगे, ऐसे ही तसव्वुर फ़क़त में भी अलग अलग जहतों से मुतअद्दिद उमूरें हो सकती हैं। लेकिन तसव्वुर फ़क़त की एक सूरत ऐसी भी बनेगी जहाँ एक ही चीज़ होगी। तो तसव्वुर फ़क़त में कहीं एक चीज़ है, कहीं चंद चीज़ें भी आ सकती हैं, लेकिन तसव्वुर माहू हुक्म में कितनी रहेंगी? वो चंद चीज़ें ही रहेंगी। इसी को यहाँ पर दिखाना चाह रहे, बस में पूरे हाशिए का यही मकसद है और कुछ दिखाना नहीं चाह रहा। अब मैंने कभी आपको ये बताया था, दो लफ्ज़ों में बात ये बताया कि तसव्वुर की 21 और तस्दीक की 7 किस्में, एक किताब मैंने आपको दी भी थी, उसको लिखा है वजह हासिल किस तरह से क्या है उसको देख लीजिएगा। तसव्वुर की तकरीबन कितनी सूरत बनती है? 21 और तस्दीक की 7, बिल्कुल कितने तकसीम हो जाएंगे? 28 हो जाएंगे। उन तसव्वुरात की जो 21 किस्में में से एक किस्म तो वही भी होगी जो पहली किस्म है। एक दौर से कह देता हूँ, इल्म एक चीज़ का होगा या उमूर मुतअद्दिदा का, इल्म की तकसीम है ना, तसव्वुर फ़क़त है या तसव्वुर माहू हुक्म। अगर एक चीज़ का होगा तो तसव्वुर की पहली किस्में कहलाएंगी, और अगर उमूर मुतअद्दिदा का हुक्म हो तो फिर दुआल से खाली नहीं। क्या खाली नहीं? नस्बत के साथ हो या नस्बत के साथ ना हो जाए, तकसीम वगैरह। ये पूरी तकसीमी जो है ना, जो किताब आपको दिया उसके अंदर ये मौजूद है, आप देख सकते हैं। खुलासा कलाम यही है कि जहाँ क्या तसव्वुर फ़क़त के अंदर कभी एक चीज़ भी होगी तसव्वुर फ़क़त कहलाएगी और कभी मुतअद्दिद हो सकती है, लेकिन तसव्वुर माहू हुक्म में हमेशा मुतअद्दिद ही रहेगी, एक तरफ हो जाएगी। आगे एक बात तो ये भी आएगी, कुछ लोगों का कहना है कि तस्दीक का नाम किसका है? हुक्म का नाम है ना, कि वो शर्तन शतरन अलग अलग चीज़ें पढ़ चुके हैं। शर्त के अतबार से क्या है, जुज़ के अतबार से क्या है, तस्दीक अज्ज़ा है ना, वो युक़ालु लिल मजमू तस्दीक
तो बाद की बात आने वाले इंशाल्लाह वहाँ देखेंगे। अच्छा यहीं पर एक बात और, वामा अज़ाव शर्तिया से सवाल मुकद्दर का एक जवाब देना चाहेंगे। वो यही कहना चाह रहे हैं कि शर्तिया के जो अज़ा होते हैं, चलो इसको पढ़ लो, उसको बात पहले यहाँ तक बात पढ़ ली, उसको चलो इतनी बात समझ आगे ना तस्वर फ़कत। अब आगे जिक्र करते हैं, हाँ तस्वर का यकून तस्वर वाहिदा, यह तस्वर कभी वाहिद होगा, एक का तस्वर होगा, मुरक्कब नहीं होगा। देखो वाहिद से मुराद यहाँ पे क्या बोला गया, पीछे पड़ चुके वाहिद चंद माने थे विशाल का तस्वर इंसान, जिसे क्या इंसान का तस्वर करना, वक़्त यकून मुतअद्दिदा, और कभी कभार तस्वर क्या होंगे मुतअद्दिद होगा बगैर नस्बत के। जैसे मिसाल क्या है, इंसान का तसव्वुर करना, कातिब का तसव्वुर करना, अरे इंसान और कातिब इन दोनों का तसव्वुर क्या है, इनके दरमियान कोई नस्बत नहीं, या नस्बत तो है लेकिन नस्बत कौन सी है, नस्बत तक़लीदिया है। तक़लीदिया किसे कहते हैं, अरे तारीफ से बताओ मुरक्कब तामना हो तक़लीदिया कह दीजिए, कौन तारीफ होगी इसमें, जुज़े अव्वल जुज़े सानी की कह दो, जुज़े सानी जुज़े अव्वल की कुछ बात आई है। जैसे हैवान नाती का गुलाम है जैद, दो इसकी तकसीम इन्होंने बयान की है, क्या हैवान नाती मौसूस बदली तरकीब और गुलाम व जैद बतरकीब है, कई उसके और किस्में बनती है मुरक्कब नाक़िस की, जैसा है मुरक्कब है बालबक मुरक्कब है जी, अहद आशर क्या है, तो ये मुरक्कब नाक़िस की और दायरे का रोज है। चलो यह तामा है लेकिन खबरिया नहीं है, मिसाल क्या लेंगे भाई, इंशा यद्रिब और ला तद्रिब जो भी ले लें, ये क्या है भाई ये बताओ, तामा है मगर खबरिया नहीं है, ये क्या है, ये क्या बनेगा फिर, तस्वुर बनेगा, तस्वुर बनेगा, तस्वुर नहीं है इसके अंदर ना, चलो अब मैं नहीं अलग मैटर रखो, इसके बाद क्या है खबरिया हो जिसमें क्या हो शक, इसके बारे में लिखा है आशे के अंदर कि ये खबरिया भी हो और शक भी हो, ये कैसे हो सकता है, तो कह रहे हैं कि ये खबरिया होना मा यूल के अतबार से लिखा भी होगा शायद आशे नंबर 9 के अंदर, ला युकाल अन्न नस्बत अल-खबरिया मा यहतमिलु अस-सिदक़ा वल-कदीबा वन-नस्बतु मशकूकतु लैसत कदालिका लिअन्न अल-मुहतमिल अस-सिदक़ी वल-कदीबी वल-हुक्म, जवाब क्या लिखा है, क्योंकि जो सिद्क किसी पर जो मुतमिल होता है वो कौन होता है, वो हुक्म ही होता है, जब हुक्म हो जाए तो वो क्या हो गया, फिर उसमें शक के क्या मसला हो जाएगा, कुछ मसला ही नहीं रहेगा। इसको लिखा है मुराद क्या है कि जो खबरिया बनने की सलाहियत रखे हैं माँ यऊल के अतबार से उसको खबरिया कह दिया गया, ठीक है, दर हकीकत में खबरिया नहीं, आशा नंबर 9 में लिखा हो। चले अब आगे बताया कि फ़ाइन न कुल लदारिका, इसमें से हर एक क्या है तसव्वुर है, क्यों तसव्वुर है, ये क़ुलूबिया अनिल हुक्म, क्योंकि ये हुक्म से खाली है, कितने किसमें हो गई तसव्वुरात की, चंद सूरतें निकल के आ गए, मैंने बताया टोटल कितनी तसव्वुरात की सूरतें, तरबी की बात है। चलो तो ये जो है ना ये क़ुलूबिया अनिल हुक्म, ये इन तमाम की क्या दलील है, तसव्वुर वाहिद हो तसव्वुर इंसान उसकी भी दलील वही है कि हुक्म से खाली है, सीधा मुतअद्दिद हो उसकी भी दलील क्या हो जाएगी कि हुक्म से खाली है, जितने भी तकरीबन जो चीज़ें आ रही है उन सब में क्या है वो दलील है, वैसे खाली। चलो अब आगे एक बात और है, शर्तिया इनका दृश्यम से तालिया फन्नारो शर्तिया है, अब ये जो शक्तिया के अज्जा वगैरह हैं इसमें भी तो हुक्म नहीं होते हैं, फिर इनको कजिया शर्तिया क्यों कहते हैं, फिर कजिया शर्तिया क्यों कहते हैं, शर्तिया क्यों कहते हैं, जहाँ बहस शुरू हो रही है बहस सानी, मतलब तस्दीकात की बहस जहाँ शुरू हो रही है अपनी किताब के अंदर, उसके पहले ही काल अकूलों में बड़ी तफसील के साथ में उन्होंने गुफ्तगू की है, वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं, वो क्या गुफ्तगू है कुछ बातें आपको अर्ज करता हूँ, तकबीर तस्दीकात जब आप पढ़ेंगे ना उसमें ये लिखा है, उस यही सवाल जवाब उसमें कायम किया गया है, क्या कहा गया है, सवाल ये है उसके अंदर
कि कजिया शतिया के अंदर जो अल्फाज होते हैं देखो वो तो शतिया होते हैं, उसमें क्या है कजिया तो कहना नहीं चाहिए था, क्योंकि जब आपने आदाब शर्त वगैरह दाखिल कर दिया तो वो कजिया होने से निकल गए। तो उसको यहाँ पे यही बताना चाह रहे हैं कि वो बिलफेल अगरचे क्या हो कजिया नहीं है, लेकिन क्या मायूल के अतबार से जब उसमें वो निकाल देंगे आदाद शर्त इनकान तालिया इन निकाल दो फनार फा निकाल दो क्या हो जाएगा तालिया तुम कजिया है अनार मौजूद कजिया है माँ यहूल के अतबार से, ठीक है माँ यकून के अतबार से मुस्तकबिल के बस वो ऐसा है। सवाल कहाँ है वो दिखाता उसको अभी वाला करा है ये पड़ जाएगा अलमकारा सानिया दिल कजाया व अहकाम यहा फिया मुकदमा व सला सदु फसूल, इसी में लिखा है कि तारीफ़ अलकजिया व अकसाम यहा कजिया किसे कहते हैं उसके बाद जो बहस की गई ना उसी बहस के तहत ये बात भी मौजूद है। सवाल क्या है क्या है देखते फैन कुलता अलहैवान नातिक यंतकिलु बैना लिक़दमैही व क़ौलुना ज़ैदुन ग़ालिबुन युदादिहु चाइमन व क़ौलुना शम्स तारिक़ यर्ज़ुमु नार मौजूद अमलियात मा अन्ना अज़राफ़ा लैसा बिमुफ़रदात में चलो देखा है وَلَمْ يَكُونَا تَرْفَعَ مُفَدَيْنِ فَيَا شَرْقِيَةٌ فَقَوْلِنَا اِنْ فَانْتِسِمْ شُطَالِيَا فَنَّا اَوْ مُوْجُودٌ یہ اس طرح کی بات جو ہے نا اس میں لکھی گئی تفصیل کے ساتھ میں اسی والے قراقل کے نزدیک جو شرقیہ والا ہے ان کو آپ قضیہ تو نہیں کہہ سکتے جب بھی کیا کہا تھا قضیہ شرقیہ کہہ رہے شروع میں پڑھتے تو سن بات سمجھ میں آتی ہے یہ پورا جو ہے دوسرا جہاں قراقل بس شروع ہو رہی اس کے شرقی والی کتاب کے اعتبار سے 91 پیج پہ یہ بات موجود ہے اس طرح کی ٹھیک ہے اسی کی طرف یہاں پہ اشارہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ بھائی آپ نے تصورات میں انہیں چیزوں کو شامل کر لیا تو وہ اما اجزاء الشرطیہ تو الشرطیہ کے جو اجزاء ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں بھیا وہ قضیہ ہی ہوتے ہیں تو وہ کس میں جائیں گے یا تو تصدیق میں جائیں گے یا تصور میں جائیں گے جب شرطیہ ہے تو اس میں کیا ہے بھائی ایک طرح سے دیکھا جائے تو قضیہ نہیں جب قضیہ نہیں تو اس کو کس میں داخل ہونا چاہیے تھا تصور میں داخل ہونا چاہیے انہوں نے اس میں داخل نہیں کیا تو اس کے انہوں نے جواب دیا کہ داخل نہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ بالفعل اگرچہ کیا ہے وہ قضیہ نہیں ہے لیکن ما یکون کے اعتبار سے وہ کیا ہے وہ قضیہ نہیں ہے اس لیے ہم نے ان کو تصورات میں داخل نہیں کیا۔ اچھا کیا لگا انشا ہے نا بیٹا انشا انشا خبر تو نہیں رہا نا اس میں نہیں ہے آپ نے پہلے کیا کیا حکم حکم سے خالی ہیں اس لیے تصورات ہیں آپ کو بھی کیا چاہیے تھا ہاں کہ یہ قضیہ کے جو اجزاء ہیں شرطیہ کے ان کو بھی آپ کیا کریں تصور میں شامل کر لے جائیں۔ حاشیہ نمبر 12 میں جو لکھا ہے وہ کچھ اس میں زبردست حاشیہ لے سکتا ہے سوال میں قدرت کے جواب بن رہا ہے جواب کر لیتا ٹھیک ہے بھائی اس کو جواب یہ دیا گیا کہ تو فی ادراک ہوا رہے سے تصدیق ہے ان کا ادراک کرنا یہ کیا ہے تصدیق نہیں ہے بالفعل بلکہ کیا ہے بالقوائے وہ قریبیہ کے اعتبار سے کیا ہے یہ تصدیق ہی ہوں گے تو ہم نے کیا کر دیا ان کو تصورات سے چھوڑ دیا ہے تصورات میں شمار نہیں کیا بلکہ کس میں چلے جائیں گے اب وہ جو میں کتاب دیا اس میں آپ دیکھو گے تو اس میں اس طرح سے فائنل بات ہو گئی اب آگے اسی سے ملتی جلی بات کیا ہے علی رحم اما تصور فقط ہو گیا واقعی کیا ہو تصور معاہو اس کے بارے میں کہیں گے اس میں تو متعدد چیزیں ہونے والی ہیں سمپل سی بات دیکھو وَإِمَّا تَصَوُّرٌ مَعَهُ حُکْمٌ أَقُولُ هَذَا التَّصَوُّرُ لَا بُدَّ أَن يَكُونَ مُتَعَدِّدًا لَا بُدَّ لَا رَئِ اور اس میں وہاں پہ کیا لایا تھا اِمَّا تَصَوُّرَ فَقَدْ میں قَدْ يَكُونَ قَدْ يَكُونَ قَدْ يَكُونَ اس میں کیا اس میں تو کمپلسری ہے یعنی تصور معاہ حکم میں تو متعدد ہونا کمپلسری ہے تصور فقط میں کوئی کمپلسری نہیں کبھی ہوگا کبھی یہ تصور کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کیا ہوا ہے مقبول کا تصور ہو مقبول کا تصور ہو نسبت امیہ کے تصور ہو یہاں تک کہ حکم کا اقتران اس سے کیا ہو سکے بیاہ کی کون ہے
النفی اور اس بات لکھ دیا گیا ہے. اٹھارہ نمبر آشے پڑھی کر کیا ہے بن نسبت لکھا ہے, ٹھیک ہے جی. یہاں تک کہ حکم کا اقتران نسبت سے کیا ہے ہو سکے. دیکھو بہت اہم بات ذکر کی انہوں نے کی محکم علیہ کا تصور, محکم علیہ کا تصور نسبت ہے, تصور پھر آگے لکھا کہ حکم کا اقتران نسبت سے ہو سکے. ایک حکم سے مراد وہی ہے, حکم کے دو معنی ہیں, اقال نسبت نسبت ہے حکمیاں. کما سیاتی جیسا کہ بحث آنے ہی والی ہے. کیسا آنے والی ہے؟ وہی جہاں وہ بات گفتگو آئے گی والی, تصدیق میں کتنے ایسے چاہیے فلاں فلاں ٹھکانا ہے جی, ابھی تفصیلات بیان کرتے ہیں. بات فائنل ہو گئی جی, چلو آگے دو ختم. اس کے بعد آئیے وہ مت کیا کہا ہے مدن دیوار پر کیا لکھا ہے اس میں شرح کے اندر شرح القسم الاول مستمر علی شیئین احدہما التصور. العلم ما تصور فقط ہے جی, بتا کے شرح کے بعد پورا شرح کیا کہتے ہیں. اما تصور جی, یہ بات کہاں لگا ہے؟ اما تصور فقط اصول سورۃ الشیطان. اما اصول سورۃ الشیطان میں کدھر ہے؟ چلے چلے وہ ہو کیا کہاں ہے؟ اما تصور دیکھیں محمد تصور لکھا ہے تو تصور کے بارے میں یہ کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ دیکھیے تارک کیا ذکر کی ہوگا حسود سعود شہری ہے ایک چیز ہے. تو اس قالہ اقولوں میں آپ نے دیکھا ہوگا انہوں نے دو چیز کی تعریف کی ہے, تصور کی تعریف کی انہوں نے, تصور مطلب کی اور حکم کی تعریف کی نہیں جی. اس حاشے سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ چیزیں تو ہم نے چند بیان کی, تصور فقط تصور نہ ہو حکم, ٹھیک ہے. ایک تصور کا بیان کیا, تصور سب میں کیا لفظ ہے فقط بھی, یہ دو چیزیں ہو گئی. اسی طرح ایک تصور بھی بیان کیا, اس میں کیا بیان کیا آپ نے حکم. تو چار چیزیں ہیں, چار چیزوں میں آپ نے دو چیزوں کو بیان کیا ایسا کیا, ٹھیک ہے. کہہ رہے ہیں کہ یہ چار چیزیں اگر چھ, ان چار چیزوں میں دو ہی چیز بن کے آتی ہے. کیوں بن کے آتی ہے؟ ترک الاشیاء کو بھیج جاتی ہے چیزیں اپنی ضد سے کیا ہوتی ہیں پہچانی جاتی ہیں سمجھی جاتی ہیں. تصور فقط میں تصور ایک آ گیا, فقط کے بارے میں تعریف ہونی چاہیے فقط کسے کہتے ہیں, ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد دوسرا کیا ہے؟ تصور ماہ ہو تصور, اس کے بعد حکم ہے. یبھی بھی تصور آئے گا تو تصور تصور دو جانے جمع ہو گئے, اور ایک ہے فقط اور ایک ہے حکم ہے. حکم اور فقط یہ دونوں کیا ہے؟ ایک دوسری کی چیز ہے. تو اب گویا کہ کل ملا کے کتنی چیزیں ہو گئی؟ دو ہی بنیں گی, تصور تصور دو ایک ہو گئے, فقط اور حکم. فقط اور حکم میں سے کسی کو لے جائے کتنے بن گئی؟ ایک ایک کلے میں, دونوں سے دونوں سے ایک کلے میں کتنے بنیں گے؟ دو چیزیں بنیں گے. کمال کی بات ہے ماتن نے دو ہی چیز کی تعریف بیان کی, اس لیے کہ اس کی ضرورت دو ہی چیز میں آتی ہے. برابر کیوں بیان کریں گے آپ؟ اس سے کیا پتہ چلا کہ جب کوئی بات پیش کریں کسی ایک کی تعریف بن کر اختصار جامعیت ملحوظ رکھیں, اس کو یہاں بتانا چاہ رہے ہیں. سمجھ گئے بھائی؟ یہ مین چیز ہے کہ آپ اس کو مین کہنا کیا چاہ رہے ہیں. موٹے القسم الاول پہلے قسم, پہلے قسم مراد تصور فقط. حاشیہ نمبر 19 پڑھتے ہیں, ذرا پڑھو تو بیٹا کیا ہے, کوئی بڑے بات. اچھا میں کسی سے نہیں پڑھا سکتا, بڑا پڑھ, چلو سمیت پڑھنا ماشاء اللہ پڑھو. حاضر کرام بیان توجیہ استغلال مصنف بتعریفی تصور والحکمی والاقتصاری علی مع استعمالی کل واحد من القسمین علی امرین بی اقتاد کل منہما الی البیان. جی کہنا کیا چاہ رہا ہے؟ میں پڑھ رہا ہوں حاشیہ نمبر 19. القسم الاول حاضر کلام بیان و توجیہ اشتغال المصنف بتعریف التصور والحکم والاقتصار علیہ مع اشتمال کل واحد من القسمین علی امرین. دونوں قسموں میں سارے ایک دونوں مشتمل ہے, کتنی چیزیں ہو جائیں گی؟ چار ہو جائیں گی. اس کے علاوہ کیا ہے؟ یحتاج علی کل واحد, یحتاج کل واحد منہما الی بیان, کہ ہر قسم دو امر پر مشتمل ہے
और हर दोनों ही क्या है चारों विचारों के बयान के मोहताज, इन्होंने दो पर क्यों इख्तिबा कर लिया। अब हाश्य के मोटे सुन में आ गया, इसी को यहाँ से मोशी ने बताया कि क्योंकि कुल मिला के देखें तो दो ही चीज सबक में आती, इसलिए वादी ने क्या किया दो ही चीज। ठीक है भाई, चलो देखो ये सब चीजें हल हो जाएंगी ना, चुटकी में मजा आएगा, आपको कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ में बात आ गई, खत्म दिमाग का खेल। किस्म लवर मुस्तमिन आला शैनी अहादीमा या अहादुमा, पहली किस्म यानी तसव्वुर फकत दो चीज़ों पर मुश्तमिल है, पहली चीज़ क्या है तसव्वुर, दूसरी चीज़ क्या है कौनहु बिला हुक्म, उसका बगैर हुक्म कौन है, किस समझ में आया लफ्ज़ फकत से, फकत से जी तसव्वुर तसव्वुर हो गया, दूसरा क्या है कौनहु बिला हुक्म, बगैर हुक्म लफ्ज़ फकत से समझ में आ गया। चलो उसके बाद आया वल किस्म सानी मुश्तमिल अयज़न आला शैनी, और किस्म सानी में क्या है दो चीज पर मुश्तमिल है, पहले चीज क्या है तसव्वुर, दूसरी चीज क्या है तसव्वुर, उसका क्या हुक्म के साथ होना, उस तसव्वुर का हुक्म के साथ मुश्तमिल होना मुर्ज़मिल होना शामिल होना। अब आगे देखें फहतीजा इला बयान तसव्वुर लिल्लज़ी हुवा अल-मुश्तरक बैन अल-क़िस्मैन, तो इस सूरत में उस तसव्वुर की बयान की जरूरत पड़ी जो इन दोनों ही किस्मों के दरमियान क्या हो मुश्तरक हो, और हुक्म के बयान की जरूरत पेश आई। क्यों भाई, इसलिए कि आदम हुक्म अंदाजा के जरिए से किसकी तरफ इलही महकिन के मर चुका है हुक्म, क्योंकि आदम हुक्म को हुक्म के पर कयास करते हुए जान लिया जाएगा, इस वक्त क्या हो जाएंगी दोनों ही की दोनों किस्में अपने जुजों के साथ एक साथ क्या हो जाएंगी वादे हो जाएंगे। आ गया, इसलिए क्या किया दो ही चीज की तारीफ बयान की, तसव्वुर की तारीफ बयान की और इस ईमान की हुक्म के बारे में, हुक्म किसे कैसे इसना तो हमने इला अमरिन आप हिजाबन आओ सलबन मकसूद मिल्लत क्या हो गया हल नहीं हो रहा। ओहो ये बात ये बताई गई ना भाई कि पहले इसमें क्या है तसव्वुर फकत है ना, इल्म की दो चीज़ें होगी ना तसव्वुर और फकत, जी तसव्वुर, दूसरी किस्म क्या है इसकी भी है ना तसव्वुर और हो, चार चीज हो गई, इन चारों चीजों की तारीफ बयान करनी थी ठीक है अलग अलग अंदाज में, इन्होंने क्या किया दो की बयान की, दो ही के इन्होंने क्यों बयान किया एक सवाल होता कि नहीं होता। तो यहाँ पे मोहसिन ने क्या किया थोड़ा सा साइलिन का मूवमेंट कर दिया कि दो ही हमने क्यों बयान किया, इसलिए कि दो जब तसव्वुर तसव्वुर दोनों किस्मों में आ गया दोनों से मुराद क्या होगी किसी एक की तारीफ बयान करो तो दूसरे में भी चल जाएगा ठीक है भाई, तसव्वुर मुश्तक है ना भाई मकसिम जी जी क्या हो गया बस दो में जम हो गई, दो में जम हो गई तो दो का बयान कर दिया दो को छोड़ दिया, अकल बार के लिए इशारा काफी है बस कोई बात बताना चाहिए ठीक है सुना गया। अब यहाँ से पढ़ने के लिए नीचे तक के इस तसव्वुर और हुक्म को बयान किया मैं इस तसव्वुर हुक्म में बयान तसव्वुर जो तसव्वुर दोनों आया तसव्वुर फकत तसव्वुर माओ एक तसव्वुर बयान किया दोनों में मुश्तरक हुआ दोनों में काम चल गया, हुक्म को बयान किया तो हुक्म के जरिए से जिसमें हुक्म नहीं है उसका कयास कर लिया जाएगा कि दुरफुल अशियाओ लगदा दिया, समझ में आ गया ना भाई। इसके बाद वाले जो कल आपको लिए थोड़ा सा ये लंबा जाएगा लेकिन आसान है तो जो करें आप पहले अपनी किताब खोलिए कुतुबी जी कुतुबी खोल के सामने रखा कर इसका पढ़ा करें हासिल कलाम क्या तवज्जो करें खोलिए बड़ा बड़ा थोड़ा सा कम है पास अगर बाकी जो आज पढ़ाने आ रहे ये जल्दी कीजिए अरे बंदे खुदा हमसे खोल लिया करो मैं बारह बोल दे रहता हूँ क्या तवज्जो करते देख क्या अगर तुम भी खोल लिया करो आपने चले। इस हाशिए का असल मकसद क्या है तवज्जो कीजिए असल मकसद क्या है मकसद क्या लिख दिया है इस हाशिए नंबर 23 में देखो क्या लिखा है लीला के जरिए से आपने पढ़ा था कि हुआ हुसूल सूरत शरीफ अकल हुआ कि जमीर का मर्जी कौन है तसव्वुर फकत नहीं हो सकता और क्या है तसव्वुर माओ हुक्म भी नहीं दे सकते अलग में दोनों जमीर का मर्जी कौन है वो इल्म है ठीक है ना ये बताना चाहिए नहीं बता रहा जी ये तवज्जो करें है तवज्जो हंसी हंसी भी लगती है कहाँ का जवान चलाते हैं इसमें इन्होंने क्या किया है तवज्जो करो या ये बताना क्या चाह रहा है इन्होंने क्या किया
जो हुआ हसूल सूद शही, फिर किसकी तारीफ है? ये तसव्वुर है, फकत की तारीफ है ना, नहीं है। किसकी तारीफ है? तसव्वुर है, नहीं है। हाँ ये क्या कहना चाह रहे हैं? तो इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि भैया आपने इस्तेमाल क्या किया, इम्मा, तवज्जो करो, इम्मा तसव्वुर फकत लिखा है, और आगे देखो दूसरा इम्मा कहाँ आया, दूसरा इम्मा क्या आया, नहीं है और इम्मा तसव्वुर माहु है कि नहीं, इशारे के बाद इससे पता क्या चलता है? तवज्जो कीजिए, इसमें हस्र का मान समझ में आता है कि ये इल्म क्या हो जाएगा, जो ये तारीफ हो रही है, तारीफ तसव्वुर है इसकी, हुसूल सूद शही खिलाफ ले, या तो इसकी होगी या इसकी होगी, यहाँ से ये मना वारद करें, मना के बारे में शायद पीछे पढ़ चुके हो, नहीं पढ़ गया बताया भी था उसमें, ये मुआरजा जब होती है तो मना किसे कहते हैं, नक़्ज़ तफ़सील किसे कहते हैं, नक़्ज़ इजमाले किसे कहते हैं, बताया था ना उसको, नहीं आता रहा, लेकिन यार शुरू करूँ या छोड़ दूँ मैंने यार, चलो देखते हैं। तो ये कहना ये चाह रहे हैं कि ज़मीर का मर्जे जो आपने बताया कि इम्मा यहूदा, कि ज़मीर का मर्जे कहाँ लौटेगा, हसन को ज़रा से क्या लिखा है, ज़मीर का मर्जे में कहाँ है, पता लिखा ज़मीर इम्मा यहूदा किधर है, भारत का है, कहाँ है जी, यहाँ मेरे किताब में सफा 28 है, बता लिखा ज़मीर इम्मा यहूदा इला मतलब तसव्वुर लौटे ये भी तो हो सकता है कि इल्म की तरफ लौटे, मतलब कोई नहीं है, हाँ ये तो मसला है, देखो क्या होता है, तस्वुर मतलब भी क्या है, इल्म ही है, लेकिन आपने क्या कहा तस्वुर फकत की तरफ कह दिया, तो जो तारीफ जो है ना वो अभी इल्म के का जो मुतरादिफ है कौन है, तस्वुर फकत उसकी तारीफ की गई, दोनों एक ही चीज़ है, मैंने पहले भी समझा भी था, लेकिन ये ज़मीर लौटा रहा है किसकी तरफ, तस्वुर फकत की तरफ, इम्मा यऊदा इला मुतलक तस्वुर और इला तस्वुर फकत, क्या समझ आ गया, इन दोनों तरफ लौटेगी, इसके अलावा की तरफ नहीं लौटेगी, ये तो समझ में आ रहा है, हसर का माना समझ में आ रहा है, आप सिंपल बात इसको ये मना करेंगे, ऐसा क्यों नहीं हो सकता है कि आप ज़मीर की किधर लौटाए, आप इल्म की तरफ लौटाए, तो इल्म की तकसीम की गई ना भाई, क्या इल्म है तो क्या होगा, तसव्वुर फकत या तसव्वुर ये कंडीशन है, यहाँ हासिल कलाम जो कहना चाह रहे हैं वो ये है कि एक है जैसा मिसाल के तौर पर से दो चीज़ें हैं, दोनों में क्या है, एक तरह से तरादुफ है, तो अगर एक किताब लौटाएंगे तो किसी जहस से वो बात नहीं बनेंगी, दूसरी किताब लौटाएंगे तो कुछ इशारा हमें मिलेगा, समझने का जिक्र हम, दो लोग हैं एक काम को अच्छे से कर सकते हैं, बराबर की तरह एबिलिटी है, लेकिन कुछ तो एक बार से फ़र्क होगा, है ना भाई, हमने कहा भाई इस काम के लिए ये कौन बंदा मौजू रहेगा, किसी ने कहा कि ये मुजुर्ग कहा नहीं 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 उसको लिखा वो उसको करने के लिए बोलो, हालांकि दोनों आपके नज़दीक क्या है बराबर लेवल के, लेकिन कुछ तो है जिसके अंदर बात ये नज़र आ रही है, ये कह रहे हैं कि यह तसव्वुर फ़कत की तरफ लौटा है या इल्म की तरफ लौटा है, बात तो एक ही नज़र आ रही है, लेकिन मुसन्निफ़ यहाँ शारे क्या लौटा रहा है, तसव्वुर मुतलक की तरफ लौटा रहा है, इल्म की तरफ नहीं लौटा रहा है, तो ये मातिन का कहना मौशी का कहना कि इल्म की तरफ लौटाया तो जा सकता है, ना लौटाने की खराबी के लाजिम आएगी, क्यों नहीं लौटाएंगे, इसको सवाल जवाब ये देंगे कि लौटाएंगे तो जो मकसद हमारा है, क्या मकसद है, तंबीह करना कि क्या है, तसव्वुर के दो माने हैं, तसव्वुर फकत और तसव्वुर मुतलक, इसकी तरफ इशारा नहीं होगा, इसलिए आप ज़मीर का मर्जा किसको बनाएंगे, तसव्वुर फकत को बनाएंगे ही, बल्कि तसव्वुर मुतलक को ही को बनाएंगे, और मुतलक और इल्म दोनों की जो इल्म को नहीं बनाएंगे, बात समझ आ रही, हालांकि इल्म को बनाने से बात खराब लाजिम नहीं आएगी, लेकिन जो तंबीह करना मकसद है वो हमें हासिल नहीं होगा, आप आगे एक सवाल और पेश करेंगे कि जो आप तंबीह करना चाह रहे हैं ज़मीर पलटा करके, वो तंबीह बगैर ज़मीर के पलटा भी हासिल हो जाती है, ठीक है, दूसरा सवाल होगा,
इसी तरह और एक सवाल और नजर आएगा, पहले इतने सवालों को पढ़ते सुबह देखते इतनी समझ में आ गई। एक चीज़ है उसको दो करने वाले बराबर के मौजूद हैं, कोई एक खूबी तो है किसी के नज़दीक जिसकी तरफ हम इशारा कर रहे हैं कि यही ये काम अंजाम देगा, वो उस तरह के मरहले यहाँ पर बयान करने जा रहे हैं। बात समझ आ रही है आपको? आपकी बात से उम्र बस कैसे समझ आती है कि इस ज़मीर का मर्जी है तो क्या होगा, मुतलक़ तसव्वुर होगा, ये तसव्वुर है फ़क़त होगा, कोई तीसरा नहीं हो सकता है कि ऐसा क्यों है, ये भी तो हो सकता है। अगर आप ये बताएं कि नहीं हो सकता है इसलिए हमारा मकसद ये है, इस मकसद की पेश नज़र हम ज़मीर के मर्जे की दो ही सुन बना रहे हैं, मुतलक़ तसव्वुर और तसव्वुर है फ़क़त, ये कहना चाह रहे हैं कि जो मकसद के लिए आप ज़मीर पलटा रहे हो तसव्वुर मुतलक़ की तरफ, वो मकसद तो आपकी इसके बगैर भी हासिल हो जाते हैं, पैसा हासिल हो गया तो सुबह ना करें, ठीक है। इंटरेस्टिंग उत्तर को समझने की कोशिश करना, क्या करना चाहते देखो फैन कहला वही सवाल वो है ना, ये हंसने वाला माना पैदा होता है, पता लिखा ज़मीर इम्मा यऊदा इला मुतलक तसव्वुर औ इला तसव्वुर फ़क़त, कह रहे हैं कि आपका ये हंसने का माना कबूल नहीं है, क्या हमें हंसने का माना कबूल नहीं है, क्यों कबूल नहीं है उसकी देखो तफ़सीला फैन कहला इमान आए जो यऊदा इला इल्मी, ये क्यों जायज नहीं कि वो ज़मीर कहाँ लौटे भैया इल्म के लौटे, ठीक है भाई। कुलना हम जवाब देंगे, जवाब क्या देंगे, जवाब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो क्या खराब इलाज में देखो फला माना ले तोसीती तारीफ ही बैन किस्में, ये क्योंकि इल्म की तारीफ की के उन इल्म की तक दोनों ही किस्मों के दरमियान इल्म की तारीफ के लाने का कोई माना और मतलब नहीं होगा, क्योंकि सबसे पहले क्या होती है तारीफ होती है, फिर उसकी तकसीम होती है, आपने तकसीम कर दिया रेल में तस्वुर फ़कत, उसके बाद फिर क्या तारीफ बयान कर रहे हैं और वह हसूल सूद सही इलाके, अगर ये वो हसूल सूद सही इलाके अगर हम ज़मीर को मर्जा लौटाएं किसकी तरफ इल्म की तरफ लौटाएं, तो फिर माना क्या हो जाएगा, इल्म की दोनों ही किस्मों के दरमियान तारीफ करना तस्वुर फ़कत और वह हसूल सूद सही इलाके बीच में आया, फिर क्या आ गया तस्वुर में आओ हुक्म है, तो इन दोनों ही किस्मों के दरमियान इल्म की तारीफ का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तारीफ कब होती है पहले होती है उसके बाद तकसीम होती है। घंटी लगी आपकी जवाब क्या दे रहे हैं देखो, तो कह रहे हैं जब बीच में लेके आ जाएंगे बीच में आने का कोई मतलब मकसद निकल के नहीं आएगा। एक और सुन लो आप फैन उल्टा के जरिए से एक चीज और बयान कर रहे हैं, वही बात जो आप कहना चाह रहे बड़े तो लंदाम कि जब मुतलके तसव्वुर जो है वही क्या है, तो अगर मुतलके तसव्वुर की जो आपने तारीख बयान की गोया क्या हो गई वो, फिर जो बात आपने पहले सवाल के जवाब में कही थी तो क्या इल्म के दोनों किस्मों के दरमियान तारीफ कराने का कोई फायदा नहीं होगा, वही मकसद वही सवाल तो क्या हो गया वही बात यहाँ पे आ रही है, जब आपने तस्वुर मुतलक की जब तारीफ मानी तो उसमें भी खराब लाजिम आ रही है, तो आपको फिर चाहिए था कि क्या अगर आप तारीफ ही ना बयान करें क्यों तारीफ बयान किया आपने, बस सुना रही दिल खुलने के बाद क्या कहते थे जवाब, कह रहे हैं कि भाई बुलता मतलब तस्वुरी मुराद इल्मे कमा सही सर रहो भी या कमा सही सर रही हो मुसनफ़ सलाह करेंगे जैसा कि वही किस्म शेख कसीम अल्लाह की तरफ फमल फ़ायदा फिफ्तिताही तकसीम इल्म तुम्हारा भी तारीफ मुराद भी हुआ तारीफ वो भी लगे का, तो फिर क्या फ़ायदा है इल्म की तकसीम के साथ इफ्तिता करने में फिर उस मुरादिफ के तारीफ करने में जो क्या है इल्म का दर हकीकत में क्या है उस मुरादिफ की तारीफ में क्या फ़ायदा है जो दर हकीकत क्या इल्म की तारीफ है, समझ में सवाल जवाब क्या कर रहे हैं बोल तो अलफायदा फिलहाल का तंबी दो फायदे इसमें बयान कर रहे हैं, इसमें एक फ़ायदा क्या है इस बात में तंबी करना मकसूद है कि तकसीम क्या है उम्दा है फुजला नहीं है, क्यों तुम तंबी में तकसीम उम्दा है भैया, इसलिए कि हाज दीन मंत्री के बयान में क्या है जब इल्म की तकसीम करेंगे तो क्या मकसद की तरफ हमें मकसद हमें हासिल होगा जल्दी तक पहुँचेंगे आप, इल्म की दो तकसीम है तस्वुर तस्दीक, इनमें सारे एक बदरी नजरी नहीं बात बदरी बात नजरी है, नजरी को बदी से हासिल किया था इस हुसन में यह खराब लाजमा होती तो मंदिर की जरूरत पेश आई है ना, वो तकसीम का तकसीम क्या पे उमदा है जो बेहतर उमदा चीज़ है हमने वो काम कर लिया इस तम तो पहले वो काम किया तकसीम कर दिया हमने पहले ये फ़ायदा हो गया आगे आगे उस पत्ती हमने तारीफ बयान कर दी तारीफ बयान कर दी तो तारीफ बयान करना मकसद क्या था हमारा ताकि ये समझ में आ जाए कि तस्वुर जो है उसके कई माने आते हैं दो माने में मुश्तरक है, तो पहले तकसीम की पहले तकसीम करने का फ़ायदा वो बता दिया, फिर उसके बाद तारीख बयान की तारीख बयान ना करना चाहिए था आपके मुताबिक सवाल के मुताबिक कि जो मुतरादी में क्या इल्म है इल्म की तारीख जैसे करना फ़ायदा नहीं है ऐसे उसके मुरादी की तारीफ करने का उसका भी क्या है कोई फ़ायदा नहीं है, कह के नहीं फ़ायदा है तो तंबी है
तकसीम से एक रकम भी और तारीफ से रकम भी कहते हैं। तकसीम क्या उमदा है बयान हाजत में ना कि उसकी तारीफ, क्योंकि तारीफ क्या विवाजिम क्या है, विवाजिम मालूम ही हो चुकी है। कैसे मालूम हो चुकी है? कुछ ना कुछ जेल तो सब पहले पहले मालूम ही इल्म के बारे में जानना है, या इससे पहले आप पढ़ भी चुके हो इल्म के बारे में, कुछ ना कुछ चेतों से क्या पहले मंत्र की किताब और भी आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में कुछ ना कुछ मालूम है कि नहीं? अगर ये तो कुछ भी तो बहुत बात की बात है, कुछ तो मालूम है आपको। चलो वदारिक काफिर फी तकसीमी, देखो हम बात कह रहे हैं और तकसीम है, किसी भी चीज़ की तकसीम में किसी भी जैसे से मामूली भी अगर बात मालूम हो जाए उसकी आप तकसीम कर सकते हैं। कहीं अगर सवाल हो जाए इससे क्या मुस्तना मुस्तना के बारे में, इसना के दोस्त में मुतसिल और मुनकद कि भाई इसना की तारीफ ही नहीं मांग के अगर तकसीम कर देना क्यों ऐसा, तो सवाल का जवाब ये भी है कि इसना की तारीफ अलग से करना मुताज़र है, इसलिए पहले उसकी तकसीम कर दी गई, उसके अकसामे के ज़रिए से उसकी उसको जिसको जान लिया जाएगा, ठीक है। या ये है कि किसी न किसी से उसको मालूम इसना के बारे में तकसीम क्या है काफ़ी, ठीक है ना, मुस्तना के बयान में। अभी तंबीह हुई दूसरी बात कह रहे हैं तारीफ को लाने की, तो तकसीम पहले क्यों की उस पर अरब तंबीह, तारीफ क्यों कर रहे हैं उसकी अरब तंबीह। अलाना तफसर इल्म बिदार का इल्म की तफसीर इसके ज़रिए से यानी सूरह शैफ इलाकले के ज़रिए से कहाँ मशहूर है, तो मुतलक तस्वूर कहाँ गया फसला मुतलक तस्वूरी भी, तो सूरह के ज़रिए से मुतलक तस्वूर की उन्होंने क्या की तफसीर की तोजी की, ताकि जान लिया जाए कि ये किस से कौन है मुतलक तस्वूर, ये क्या है इल्म का मुरातिब है। जैसा कि शारे इसकी वजाहत करेंगे अपने इस इरशाद में लिखा है तंबीहन, मेरे पास मौजूद है तंबीहन आला अन तसव्वुर कमा यतलक बिमा हुवा मशहूर, ठीक है, अलामा काबिल तस्दीक अन तसव्वुर साहज कदर के यतलक अलामा युरादिबुल इल्म व यमुत तस्दीका व हुवा मुतलक तसव्वुर, ठीक है भाई। तंबीहन आला अन तसव्वुर कमा यतलक इला आखिर कलाम, ये तो बात खत्म हो गई। फैन कुलदा से फिर एक सवाल है और उस सवाल के फिर क्या करेंगे जवाब देंगे, बात समझ आ गए भाई? आसान है कि नहीं? चलो सल्लु अला हबीब। पहले तकसीम